फ्रेंड्स, आज हम आपको जो लड्डू बताने जा रहे हैं वो देखने में तो बहुत अच्छे ही लगते हैं और इसको आप काफ़ी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो आइए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्लिक करिए सब्सक्राइब बटन को ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आप लोग मिस ना करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक नॉन स्टिक कढ़ाई चढ़ाई है, आप कोई भी कढ़ाई चढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमने वाइट वाली तिल ली है और ये ब्लैक वाली है, थोड़ी थोड़ी ले लेंगे, एक एक दो दो चम्मच, और इसको रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने का तरीका है बिल्कुल धीमी आंच पे करके आप इसको चलाते रहिए बराबर, इसको तेज आँच पर नहीं चलाना है, और मुश्किल से आधा से एक मिनट में आराम से ये रोस्ट हो जाता है। इसको हम बराबर चलाते रहेंगे और बिल्कुल यह हमारी रोस्ट हो चुकी है, इसमें से अच्छी खुशबू आने लगी है। इसको हमने निकाल लिया है और अब हम ब्लैक वाली को रोस्ट कर लेंगे। इसको हमने ले लिया है एक एक दो दो चम्मच, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी लगभग रोस्ट हो चुकी है, इसमें से अच्छी सुगंध आ रही है, इसको भी अब हम निकाल लिया हमने। और यहाँ पर वही कढ़ाई चढ़ाएंगे, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने ले लिए हैं कट करके छोटे छोटे से पीसेस में, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमने काजू बादाम लिया है, आप कुछ और भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये भी हमारा रोस्ट हो चुका है, इसको भी निकाल लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 250 ग्राम खोया लेंगे और इसको खूब धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे। बहुत ज़्यादा इसको हमें नहीं भूनना है, थोड़ा चलाना है, एक से डेढ़ मिनट करीब। इसको भी हमें धीमी ही आंच में करना है, इतना चलाइए कि इसमें घी ना छोड़े खोए से। लगभग हमारा ये खोया हो चुका है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, लेकिन इससे बड़ी अच्छी बाइंडिंग होती है। इसको देखिए, हर दोनों को मिला लेंगे अच्छी तरह से। फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा स्वीट होता है, इसको प्लीज़ आप बनाइएगा ज़रूर और हमें बताना मत भूलिएगा कि कैसा लगा। अब हमने यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किया था वो हमने डाल दिया, पूरा ड्राई फ्रूट्स। और अब यहाँ पर थोड़ी सी हम वाइट वाली तिल डालेंगे, बिल्कुल थोड़ी सी। इससे क्या होगा ना, अंदर क्रंची क्रंची टाइप का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको निकाल लेंगे, देखिए एक बर्तन में निकाल लेंगे। इसको हमें तैयार करने में लगभग 2 मिनट लगा था। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें ये गरी का बुरादा डालेंगे, कोकोनट जो सूखा वाला होता है ग्रेटेड, और यहाँ पर थोड़ी सी हरी वाली इलायची, एक थोड़ी सुगंध के लिए बढ़िया। और यहाँ पर हमने थोड़ा सा चीनी 1 चम्मच डाली, हमने चीनी पिसी वाली। और सबको खूब अच्छे से मिला लेंगे, जितनी भी चीज़ें हमने ली थी, गरी का बुरादा, इलायची, सब खोए में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब क्या करेंगे, 1 प्लेट लेंगे और यहाँ पर जो हमने दोनों तिल रोस्ट किया था उसको रख लेंगे और इसके छोटे छोटे से हम लड्डू बनाएंगे, गोल आकार दे देंगे। ये बहुत जल्दी इजली बन जाते हैं और इसमें हम ये जो तिल हमने रोस्ट करके रखी थी इसको ऊपर से लपेट देंगे, बहुत ही आराम से ये मिक्स हो जाती है। और ये जो बाकी तिल थोड़ी सी नीचे गिर गई है इसको हम अलग कर देंगे बाद में, ये सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, और जितने एक्स्ट्रा होंगी वो हम अलग निकाल देंगे। इसी तरीके से लड्डू हम वाइट वाली तिल में भी कर लेंगे, थोड़े हम ब्लैक वाले बनाएंगे, थोड़े हम वाइट वाले बनाएंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी अच्छे से डिश पसंद आती है, स्वीट, हमने इसमें चीनी बहुत नहीं डाला है क्योंकि आजकल लोग बहुत ही लाइटली मीठा खाते हैं। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में बताना मत भूलिएगा कि आपको ये में हमारी स्वीट कैसी लगी, और शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। पे आप ज़रूर बनाइए इसको मकर संक्रांति पे, और अगर पसंद आता है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। आप इसको स्टोर करके मंडी पे में रख सकते हैं, एक हफ्ते तक आराम से खा सकते हैं। थैंक यू।